एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शीना खान। गाइस, आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ अपनी प्लेलिस्ट होम जंक्शन के लिए। और आज मैं घर पर बनाने वाली हूँ हॉट कॉफ़ी, और वो भी बिल्कुल इजी तरीके से, सुपर इजी तरीके से, बोले तो एकदम देसी स्टाइल में। तो गाइस, जल्दी से शुरू करते हैं। और यस, इस कॉफ़ी को बनाने के लिए आपको ना किसी मशीन की नीड है, ना किसी ब्लेंडर की नीड है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल देसी स्टाइल में आपको सिर्फ दूध, चीनी और कॉफ़ी चाहिए, और मैं बनाऊंगी बिल्कुल एकदम झाग वाली बढ़िया सी कॉफ़ी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइस, जो मैं कॉफ़ी बनाऊंगी वो मैं बना रही हूँ अमूल फुल क्रीम मिल्क से, जो कि है 1/2 लीटर। अगर आपको जो भी मैं क्वांटिटी बताऊंगी वो आप अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर लेना। अगर आपको इससे ज़्यादा मिल्क के साथ आपको कॉफ़ी बनानी है, हम जब ये 1/2 लीटर मिल्क से कॉफ़ी बनाएंगे तो वो, अगर आप एक बड़ा कॉफ़ी मग यूज़ करते हैं तो वो बनेगा 2 कप, और अगर आप नॉर्मल जो चाय वाली कप होती है उसको यूज़ करेंगे तो वो बनेगी 4 कप। तो मैं 1/2 लीटर से बनाऊँगी, और इसमें मैं बना रही हूँ बहुत ही लाइट कॉफ़ी, जिसके लिए मैं सिर्फ कैफे का एक सिंगल पाउच यूज़ करूँगी 1/2 लीटर मिल्क के लिए। अगर आपको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है तो 1.5 आप डाल सकते हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग पसंद है तो आप 2 डाल सकते हैं, 2 से ज़्यादा आप ना डालें। और यस गाइस, हम थोड़ा सेहत का भी ख्याल रखेंगे, तो हम इसमें चीनी ना डाल के, मैं ऑलवेज मैं यही यूज़ करती हूँ, मैं इसमें यूज़ करूँगी देसी खांड, ये देखिए। तो फिर चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना सुपर ईजी तरीका। मैंने मिल्क को बॉइलिंग पैन में निकाल लिया है, और इसमें और कुछ भी अभी तक ऐड नहीं किया है, ओनली 1/2 लीटर मिल्क है, तो इसको हम अभी बॉयल आने देंगे। उससे पहले हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। जब तक के मिल्क बॉयल हो रहा है तब तक मैं आपको ये बता दूं कि जो नेस्कैफे का पाउच है उसको आपको इस तरह से कट करना है ताकि एक बार में हम सडनली इसको ऐसे डाल सके, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे कट नहीं करेंगे, थोड़ा कट लगाएंगे, तो जितनी देर में आप इसको धीरे धीरे मिल्क में डालेंगे तब तक के मिल्क में से जो भाप निकल रही होगी वो इस पर लग जाएगी, और जो कॉफ़ी है वो इस पर चिपक जाएगी, और अंदर से बाकी जितनी कॉफ़ी है वो बाहर नहीं आती है। आप इसको इसलिए इस तरह से कट करें। मिल्क बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है, अभी थोड़ा थोड़ा हुआ है, तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 1/2 लीटर दूध है, तो उसमें मैं देसी खांड है वो मैं डाल रही हूँ 3 स्पून। अब आप स्पून भी देख सकते हैं, और मैंने इसको बहुत थोड़ा लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। स्टेज पे हम इसको थोड़ा सा स्पून की हेल्प से थोड़ा सा इसको चलाते रहेंगे। दूध बॉयल होने वाला है, अब आपको करने हैं कुछ एक क्विक एक्शन। जैसे ही दूध बॉयल हो गैस कर देंगे हम बंद। गैस बंद होते ही इस उबलते हुए में हम डाल देंगे सडन कॉफ़ी, और इसको हम स्पून से इस तरह से मिक्स करना शुरू कर देंगे। देखिए, इसमें ऑलरेडी थोड़े से मिल्क फोम बनने शुरू हो गए हैं, इसमें ऑलरेडी मिल्क फोम थे। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीनी है तो आप इसमें 2 पाउच डालिएगा। कॉफ़ी हो गई है रेडी। अब गाइस, जो सबसे मेन ट्रिक है, जिसको आप ट्रिक कहिए या टिप कहिए, कि कॉफ़ी को बिना मशीन के हम उसमें लाएंगे ढेर सारे मिल्क फॉर्म यानी कि झाग, वो कैसे आएंगे, तो मैं आपको कप में पोर करके दिखाती हूँ कॉफ़ी। गाइस, मैं 2 कप में कॉफ़ी पोर करूँगी, और इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि आप थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी करके पोर करना स्टार्ट करें, और इसको ऊपर से पोर करें। देखिए मिल्क फॉर्म, और इसके साथ ही अब आप दूसरे में पहले पोर करें, फिर फर्स्ट में, गाइस आपको मिल्क फॉर्म दिख रहे होंगे। ये मिल्क फॉर्म जल्दी से ख़त्म नहीं होते जब तक आप कॉफ़ी पीना स्टार्ट नहीं करेंगे, ये मिल्क फॉर्म ऐसे के ऐसी बने रहते हैं।
गाइस मैं करती हूँ अपनी कॉफी एंजॉय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हंग्री, बाय।